फिर भी कितना ज़्यादा लग जाता है? अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, क्योंकि मतलब आप अगर जोड़ोगे तो वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मैं हाँ ज़्यादा बताऊंगी तो ज़्यादा के हिसाब से लोग ज़्यादा के हिसाब से सोच के आएंगे और खर्च उतना ज़्यादा करेंगे, लेकिन कम से कम में भी यहाँ काम चल सकता है। मतलब कितना पैसा अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चे को भेज रही है पढ़ने के लिए, जैसे किसी का पिता किसान है या फिर छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो कितना खर्चा, क्या वो 5,000-6,000 में अपना पूरा महीना काट लेगा? मुझे लगता है स्टार्टिंग में काट सकता है, मुझे लगता है ऐसा कि काट सकता है, लेकिन जैसे कि आपको कलर्स लेने पड़ेंगे, सीट्स लेनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे, आपके कैनवास लेना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ हाँ जाएंगी वो पूरी। बढ़ता जाएगा, तो उस चीज़ में थोड़ा सा चीज़ें होती हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पे आते हैं तो उसके अलावा अपना काम भी करने लगते हैं, जैसे कि अगर टेक्सटाइल वाले हैं तो कई बार होता है कि वो लोग बाहर मार्केट में जाके अपने अपने जो बनाते हैं डिज़ाइंस वो बेच देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं, अपना पेंटिंग्स वो घाट वगैरह पर बेचते हैं, तो इस सबसे थोड़ी बहुत इनकम तो लोगों की हो ही जाती है। जैसे दर्शकों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पढ़ते पढ़ते अर्न बाय लर्न का सिस्टम है, आप देखेंगे BHU गेट के बाहर पूरी जो बाउंड्री है उसको कलर करने वाले दृश्य कला संकाय के ही लोग होते हैं, जितने भी आकृति बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है वॉल पे, घाटों पे, वो BHU के ही छात्र बनाए हैं, तो उसके पैसे भी मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, थोड़ा लेट मिलता है काम करने के बाद, लेकिन मिल जाता है। नहीं, इसमें पार्ट टाइम आई थिंक जॉब से भी कुछ है, अगर कोई बच्चे बहुत गरीब हैं तो आई थिंक उस हिसाब से बच्चे अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक विद्यालय अपना देता है, मुझे नहीं पता, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बट ऐसा फॉर्म आता है कि अगर आप मतलब चाहें तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं विश्वविद्यालय में ही। अच्छा, आपने क्या लिया है यहाँ पे? मैंने तो म्यूरल लिया है, पेंटिंग से म्यूरल। पेंटिंग से म्यूरल, तो ये किसका लेटर लिख रहे हैं वैसे? एप्लीकेशन लिख रही हूँ, मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए मैं। अच्छा, बोनाफाइड स्टूडेंट आप हैं BHU की, ये इसका सर्टिफिकेट। चलिए दर्शकों, ये था पूरा कि हमें प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, काजल ने हमें बताया, और भी आपको लगता है कि कुछ और भी हमें पूछना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर कभी यहाँ पे आएंगे और किसी और से पूछने की कोशिश, लेकिन दोबारा इनको नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप पढ़ाई लिखाई करिए, ऑल द बेस्ट आपको, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नैनदा सा, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।